नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेस्टोजिम पे। आज हम बात करेंगे कैसे स्विगी के साथ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपकी सहायता के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसी मदद से आप अपना खुद से रेस्टोरेंट होटल ढाबा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भी लगेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। दोस्तों आपने swiggy.com/support वेब में ओपन कर लिए होंगे। दोस्तों आज हम अपने एक क्लाइंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, जिससे कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये है आपका ऑनलाइन पेज, इसे मैं स्क्रॉल करके अब नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको वहां पे कॉन्टैक्ट सेक्शन दिखेंगे। कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर दोस्तों पार्टनर विद अस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक पेज ओपन होंगे। दोस्तों ये बेसिकली एक फॉर्म है जिसे फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने क्लाइंट का फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला है दोस्तों रेस्टोरेंट नेम, तो मैं अब रेस्टोरेंट नेम यहाँ पर टाइप करूँगा। हमारे क्लाइंट का रेस्टोरेंट नेम है HR रेस्टोरेंट। उसके बाद है दोस्तों ओनर नेम, हमारे क्लाइंट का ओनर नेम है मोहम्मद तनवीर दानिश। दोस्तों उसके बाद आएंगे आपके रेस्टोरेंट POC डेजिग्नेशन। दोस्तों आप अगर ओनर हो या मैनेजर आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे ओनर हूँ तो मैं ओनर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दूँगा। जैसे कि स्विगी के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरीज के लिए। दोस्तों उसके बाद है ओनर ईमेल आईडी, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहा हूँ जिससे सारे कम्युनिकेशंस फर्दर होंगे। उसके बाद है दोस्तों रेस्टोरेंट सिटी, हमारा है यहाँ पे कोलकाता, मैं कोलकाता सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक फॉर्म लंबे हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा GST। दोस्तों आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप GST को नो कर सकते हैं, अगर है तो आप यस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नो है तो मैं नो करके आगे जा रहा हूँ। जैसे कि उसके बाद दोस्तों बिजनेस एंटिटी नेम, दोस्तों बिजनेस एंटिटी नेम बेसिकली आपका रेस्टोरेंट नेम होगा, तो यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट नेम ही एंटर करूँगा। उसके बाद दोस्तों बिजनेस टाइप, HR रेस्टोरेंट।
उसके बाद है दोस्तों FSI एक्सपायरी, हमारा है 16 अगस्त 2018, तो मैं यहाँ डालूंगा दोस्तों। यहाँ पर एड्रेस और FSI, तो हमारा सेम एड्रेस है, तो मैं ऊपर से कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, तो एड्रेस आ गया। उसके बाद दोस्तों KYC अपलोड करना है, यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हो। हमारे पास आधार कार्ड है, तो मैं अपने आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करूँगा, ब्राउज करूँगा ब्राउज फाइल। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ये है आधार कार्ड। मैं यहाँ पे फाइल अपलोड, देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, फाइल अपलोड हो गए। उसके बाद दोस्तों FSI सर्टिफिकेट, वैसे दोस्तों मैं FSI सर्टिफिकेट भी अपलोड करूँगा। उसके बाद देखिए सबमिट का बटन है, सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा सबमिट। सबमिट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग। दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस होने में 2 सप्ताह का समय लगता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगे, तब आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएंगे, और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो लोग आपके रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा का टाई अप कर देते हैं, और आपसे मेन्यू कॉपी और बैंक डिटेल्स देने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या सहायता की जरूरत है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, या हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे।